5 वर्षीय बच्ची का सागर मेडिकल कॉलेज में इलाज और विदिशा मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। पिता सागर से 5 वर्षीय बालिका को भोपाल बंसल हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में बालिका ने दम तोड़ा। सागर के रहने वाले एक व्यक्ति आशाराम कुशवाहा ने सागर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। आशाराम कुशवाहा का कहना है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची पलंग से गिर गई थी, जिसे उन्होंने सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। सभी जांच होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें लड़की को नॉर्मल घोषित किया, अंत में इंजेक्शन लगा दिया और छुट्टी कर दी। लेकिन जब पिता बच्ची की हालात में सुधार नहीं देखा गया तो अपनी 5 वर्षीय बेटी को भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराने जा रहे थे, जहां विदिशा बाईपास पर उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। मृतक बेटी को लेकर वे विदिशा मेडिकल कॉलेज आए। पिता को लगा कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है और इसी कारण से अपनी बेटी को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। आचाराम कुशवाहा, कहां रहते हो? ग्राम पटकुई, पोस्ट बरारू, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आप यहां विदिशा में मेडिकल कॉलेज के लिए आए थे, क्या मामला था, क्या घटना था? सर, मैंने BMC बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सागर में लड़की को 19 तारीख को भर्ती किया था। पलंग पे से गिर गई थी लड़की, ठीक है। पलंग पे से गिरने के बाद एक दिन इनने हमें ICU में रखा और रिपोर्टें लिख के दी कि आप CT स्कैन करवा लो, ये ब्लड की जांच करवा लो। मैं सब बाहर से जांचें करवा के लाया। बाहर से जांचें लाने के बाद मेरे को नॉर्मल, माने लड़की को नॉर्मल बोल दिया, बोले सब नॉर्मल है। तो मैंने उधर बोला तो उनने ICU से मेरे को 24 नंबर वार्ड, बच्चा वार्ड में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद दूसरे दिन मैंने मैडम से बोला, मैडम मेरी लड़की नॉर्मल है, मुझे छुट्टी कर दो। तो बोली आज नहीं कल करेंगे। फिर दूसरे दिन मैंने यही बात बोली तो बोले आज नहीं कल करेंगे, ठीक है। फिर तीसरे दिन मैंने भी यही बात बोली तो बोले आज नहीं कल करेंगे। चौथे दिन मैडम ने मेरे को डिस्चार्ज बना के दिया। चौथे दिन डिस्चार्ज बना के दिया, उसी टाइम डिस्चार्ज बना के मैडम 20 मिनट हुए थे, मैडम थोड़ी बाहर तक गई। बाहर तक जाने तक जो वार्ड में डॉक्टर रहते हैं ना, आशीष, नितिन, हर्ष, RP सिंह, कुशवाहा, ये लोग वहाँ पर आए और इनने हमें बच्ची को इंजेक्शन लिख के दिया। तो मेरे को छोटी सी पर्ची बना के दी और मैं सामने वाले कर्रापुर वालों के यहाँ से मेडिकल पे से इंजेक्शन लेके आया, वो दवाई लिख के दी। मेडिकल कॉलेज में यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर सर, मैं BMC से, मेरे को लग नहीं रहा था कि वहाँ मेरी बच्ची ठीक हो पाएगी। तो मैं वहाँ से अपनी बच्ची को भोपाल बंसल हॉस्पिटल लेके जा रहा था। वहाँ के डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई थी, बोले ले आओ। तो मैं लेके जा रहा था तो रास्ते में ये विदिशा के पास में लड़की यहीं एक्सपायर हो गई। फिर मेडिकल कॉलेज? हाँ, फिर पहले हम मेडिकल कॉलेज आए तो मेडिकल कॉलेज में हमने चेक कराया बच्ची को, बच्ची को ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब उनसे हमने बोला, मैडम हमारे पास FIR काफ़ी, हमने FIR की है। तो बोले PM होगा, तो बोले जहाँ डेट हुई है वहीं PM होगा। तो हमने कि ठीक है मैडम, तो PM कर रहे हैं, हाँ यहाँ PM कर रहे हैं।